नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के डेली डोज के सेट 4 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप बाकी के सेट्स देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1961। NSNIS की स्थापना 7 मई 1961 यानी 1961 में की गई थी और यह पटियाला में है। नेक्स्ट, योजना बनाने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्यों का निर्धारण, सेटिंग गोल्स। योजना बनाने की प्रक्रिया में पहला कदम लक्ष्य का निर्धारण करना होता है। नेक्स्ट, कंडरापेशी होने का मुख्य कारण होता है, द मेन रीजन ऑफ बींग टेंडनाइटिस इज? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कठोर सतह पर दौड़ने या चलने से। कंडरापेशी यानी टेंडनाइटिस कठोर सतह पर दौड़ने या चलने से होता है, फ्रॉम रनिंग वॉकिंग ऑन हार्ड सरफेस। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल और विश्व चैंपियनशिप में होने वाली डाइविंग प्रतियोगिता में डाइविंग प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ डाइविंग प्लेटफॉर्म इन डाइविंग कॉम्पिटिशन हेल्ड इन ओलंपिक गेम्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10 मीटर। ओलंपिक खेल और विश्व चैंपियनशिप में होने वाली डाइविंग प्रतियोगिता में डाइविंग प्लेटफॉर्म होता है, उसकी ऊंचाई 10 मीटर या 33 फीट होती है। नेक्स्ट, हाइपर एक्सटेंशन जब होती है तब एक्सटेंशन यानी विस्तार आगे बढ़ती है, एक्सटेंशन प्रोसीड व्हेन हाइपर एक्सटेंशन अकर्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 180 डिग्री। जब एक्सटेंशन 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से आगे होता है तो वह हाइपर एक्सटेंशन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल किसने स्थापित किया था? हु स्टेबलाइज्ड हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल यानी HVPM? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनंत कृष्ण और अंबादास पंत वैद्य ब्रदर्स ने HVPM की स्थापना की थी। इन दोनों का क्या नाम था? अनंत कृष्ण वैद्य और अंबादास पंत वैद्य। और हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 में 1914 में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। नेक्स्ट, हैंसन रोग को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज हैंसन डिजीज नोन? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं और इसमें जो ऑप्शन बी है धनस्तंभ, इसको इंग्लिश में टिटनेस कहते हैं और चेचक को स्मॉल पॉक्स। ओके, लेकिन इसका आंसर सही है सी, कुष्ठ रोग। हैंसन रोग को कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बैलिस्टिक गतिविधि को प्रदर्शित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो अ बैलिस्टिक एक्टिविटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चलना, वॉक करना। यानी चलना एक बैलिस्टिक गतिविधि को प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट, 2000 मीटर स्टेपल चेज रेस में हर्डल जंप कितनी होती है? हाउ मच इज द हर्डल जंप इन द 2000 मीटर स्टेपल चेज रेस? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 18। 2000 मीटर स्टेपल चेज में 18 हर्डल और 5 वाटर जंप्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट, योग के 8 अंगों में से अंतिम 3 माने जाते हैं, द लास्ट 3 ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ योगा आर कंसीडर्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंतरिक साधन, इंटरनल रिसोर्सेज। योग के 8 अंगों में से अंतिम 3 धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों को आंतरिक साधन यानी इंटरनल रिसोर्सेज कहा जाता है।
फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल या कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप हमसे सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जुड़कर पूछ सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग हमें फॉलो करें ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।